हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव ह्यूमन एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 21.65 पे दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मेरे पास पुराना एडिशन है, तो पेज नंबर 21.65 है, हो सकता है नए एडिशन में पेज आगे पीछे हो, तो प्लीज़ उसको टैली कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरे ज़बरदस्त व्लॉग्स, एनिमेशन, स्केचेस, रिव्यूज़ और बहुत कुछ और इन्जॉय करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल क्रिएटिव ह्यूमन को सब्सक्राइब करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो से पहले मैंने 4 वीडियोस इस टॉपिक पे बनाए हुए हैं, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में से जा करके उन लिंक्स को देख सकते हैं। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कि क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत केयरफुली रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015। हमको रेसिप्ट साइड पूरा दिया हुआ है। टू बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट, टू सब्सक्रिप्शन, टू एंट्रेंस फीस, टू लाइफ मेंबरशिप फीस, टू न्यूज़पेपर, टू कैंटीन कलेक्शन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, और हमको पेमेंट साइड पे दिया हुआ है बाय स्टाफ सैलरी, बाय कैंटीन एक्सपेंसेस, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बाय इंश्योरेंस, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, बाय फर्नीचर परचेज्ड, बाय इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, बाय बैलेंस कैरी डाउन, लिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट। उसके बाद हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है कि कुछ चीज़ें थी जो साल के शुरुआत में हमारे पास थी और कुछ चीज़ें हैं जो साल के एंड में हमारे पास हैं। अब हम देख लेते हैं ये क्या क्या आइटम्स हैं। पहला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। साल के शुरुआत में हमारा 7,000 है, साल के एंड में 5,600 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 2,000, 2,500। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,200, 1,800। फर्नीचर 10,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। और उसके बाद हमको यहाँ बताया हुआ है, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा होता है क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उन एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे दिए हुए आइटम से टैली कर लेना चाहिए। सबसे पहला एडजस्टमेंट हमको दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं आप इसको। सबसे पहली चीज़ दी हुई है सब्सक्रिप्शन, तो हमें सब्सक्रिप्शन के पास क्वेश्चन में एक छोटा सा टिक मार्क हम लगा लेते हैं। इससे हमें जब भी हम सब्सक्रिप्शन की पोस्टिंग कर रहे होंगे तो ध्यान रहेगा कि इससे जुड़ा हमारे पास एडजस्टमेंट है। इससे जुड़े हमारे पास 2 एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर सैलरीज आउटस्टैंडिंग बताया हुआ है, तो सैलरीज के आगे भी हम यहाँ पे एक छोटा सा टिक लगा लेते हैं। फर्नीचर 10,000 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फर्नीचर परचेज दिया हुआ है 15,000, तो हमें याद रहेगा कि इससे जुड़ा भी हमारे पास एक एडजस्टमेंट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमको कहीं भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं दिखता है। इधर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट और दिया हुआ है, जो कि फर्नीचर से जुड़ा हुआ है, और डेप्रिसिएशन का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से दिया हुआ है, तो एक और है। तो इन चीज़ों को जब हम पोस्ट करेंगे तो हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए, उसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लीजिए। आप चाहें तो ये एक एक करके भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो तीनों को एक साथ भी बनाया जा सकता है। तीनों को एक साथ बनाने से फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, कि आपका टाइम बहुत सेव होता है और आप पूरा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करते चले जाते हैं। लेकिन तीनों को एक साथ बनाने के लिए आपकी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से नहीं समझा है, आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि क्या आइटम किधर पोस्ट करा जाएगा, तो उससे लेकर के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरा आपको सजेशन है फ्रेंड्स, कि आप थ्योरी के इसके वीडियो ज़रूर देख लीजिए और अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए।
आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा एक छोटा सा सजेशन और रेफरेंस कि वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पे देखिए और हेडफोन यूज करिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक पेपर और पेन ले लीजिए और साथ में नोट भी करते जाइए, तो उससे आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत फायदा होगा। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है, ये है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2015 का, मतलब जब हमारा साल खत्म हुआ तो हमारे पास ये रिसिप्ट एंड पेमेंट थे। सबसे पहली चीज हमको क्या दी हुई है यहाँ पे, सबसे पहली चीज हमको दी हुई है टू बैलेंस BD 4000, ठीक है। तो ये बैलेंस है 1/4/2014 का, मतलब जिस डेट पे ईयर स्टार्ट हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे एक बैलेंस शीट मैंने पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखी हुई है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014, ठीक है। लाइबिलिटी साइड है, असेट साइड हमारा दिया हुआ है, और हमको इसको यहां पे जब ये ओपनिंग बैलेंस है तो मतलब पिछले साल का क्लोजिंग होगा, तो ये हमारा यहां चला जाएगा। हम यहां पे इसको दिखा देंगे सीधा सीधा कैश इन हैंड, और अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट हम इसका मेन कॉलम में लिख देंगे 4000। जैसे जैसे आइटम्स होते जाएं उसको आप क्वेश्चन में टिक करते जाइए, चाहे पेन से कर ले चाहे पेंसिल से करिए, तो इससे रेपिटेशन होने के चांसेस नहीं रह जाते हैं। तो कैश इन हैंड 4000 हो गया, हमने उसे पोस्ट कर दिया है। उसके बाद बताया है कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, ये भी ओपनिंग का है, तो ये भी हमारा यहां चला जाएगा कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, और इसका अमाउंट है 16000। नेक्स्ट है हमारा कैश इन करंट अकाउंट, और इसका अमाउंट हमको दिया हुआ है 5200। तो ये तीन आइटम्स ओपनिंग बैलेंस के थे, तो हमने यहां पे इनको पोस्ट कर दिया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी सब्सक्रिप्शन, और ये इस पे मैंने एक स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड यही सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। आइए एक एक पॉइंट को इसको ध्यान से समझते हैं और इसकी पोस्टिंग को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर का होता है, तो इसका मतलब ये इनकम साइड पे हमारा चला जाएगा। सबसे पहले हम यहां लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट इसका कितना दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट यहां पर हमको दिया हुआ है 80000। तो यहां पे एक छोटा सा टिक कर लीजिए कि ये हो गया। अब यहां पे एक टिक लगाया है, मतलब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के शुरुआत में 7000 था, मतलब ये पिछले साल का है, ये इस साल का नहीं है। तो एनीथिंग एनी सब्सक्रिप्शन अमाउंट दैट इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर, ये पिछले साल का है, तो इस साल के सब्सक्रिप्शन में से हमको उसको हटा देना चाहिए। हम यहां लिखेंगे लेस outstanding subscription, outstanding at the beginning of the year, और amount इसका कितना दिया हुआ है 7000। उसके बाद outstanding at the end है, साल के अंत में current year के end में अगर कुछ subscription outstanding रह गया है तो ये इसी साल को belong करता है, और क्योंकि ये इस साल को बिलोंग करता है तो हमको उसको इस साल के सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देना चाहिए। लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, अमाउंट कितना दिया हुआ है 5600। इसके बाद बताया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, साल के शुरुआत में एडवांस मिला है तो मत, या पिछले साल के एंड में कह लीजिए या इस साल के शुरुआत में कह लीजिए, आपको एडवांस मिल रहा है तो ये इसी साल को बिलोंग करता है, तो हम इसको इस साल में ऐड कर देंगे। ऐड एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कितना एडवांस हमें मिला 2000, तो हम यहां पे कितना लिख देंगे 2000। और एडवांस एट द एंड, एडवांस हमेशा आने वाले टाइम के लिए दिया जाता है, तो भाई साल के अंत में आने वाला टाइम क्या है, नेक्स्ट ईयर है, तो ये इस साल को बिलोंग नहीं करता है, तो इस साल से हम उसे माइनस कर देंगे। हम लिखेंगे लेस एडवांस एट
एंड। अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका? अमाउंट है 2500। जब इसको हम पूरा प्लस माइनस करके कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 78,100। अब देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से फाइनल अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करते थे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, और उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जब भी कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी तो वो हमेशा दो जगह जाती है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाहर जो अमाउंट, जो भी इन्फॉर्मेशन दी हैं, वो हमेशा दो जगह पोस्ट करी जाएंगी। पहली तो यहाँ पोस्ट हो गई, अब देखते हैं दूसरी कहाँ जाएगी। देखिए क्या कहता है कि यहां पे हमारा सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर कह लीजिए या एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर कह लीजिए। तो अगर कुछ भी सब्सक्रिप्शन हमारा पिछले साल के अंत में बचा रह गया हमें रिसीव होना, तो वो हमारा पिछले साल की बैलेंस शीट के असेट साइड चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? वो इसलिए चला जाएगा क्योंकि हमको वो मिला नहीं है और आने वाले टाइम पे मिलेगा, इसलिए वो हमारा असेट बन जाता है। तो हम प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और कितना अमाउंट लिख देंगे यहां पे? 7000। ठीक है, अब उसके बाद हमको ये बताया है कि इस साल के एंड में भी हमारा कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो जो सब्सक्रिप्शन हमको इस साल करंट ईयर में नहीं मिला वो भी हमारा असेट बन जाएगा। हम क्या शो कर देंगे? असेट साइड पे इस साल की बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। ये हमारा प्रेजेंट करंट ईयर खत्म हो रहा है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और अमाउंट कितना दिखा देंगे? 5600। ठीक है, तो ये तो ट्रीटमेंट हो गया। देखिए ये दोनों ही अमाउंट एक जगह यहां गए, और ये दोनों ही अमाउंट एक यहां गया एक यहां गया। ठीक है, तो दो जगह गए। उसके बाद क्या बताता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। पिछले साल के एंड में अगर आपने कोई चीज एडवांस में ली है तो ये आपका उस साल का तो है नहीं, और ना ही आपने सब्सक्रिप्शन लेकर के कोई सर्विसेज दी। सर्विसेज तो आप नेक्स्ट ईयर में देंगे, तो क्योंकि आपने सर्विसेज दी नहीं इसलिए पिछले साल की क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी बन जाएगी। तो पिछले साल के एंड में ये लाइबिलिटी बनती है, हम क्या लिख देंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो आप लिखना चाहें। मैं यहां पर लिख रहा हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन, अमाउंट कितना है? 2000। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो मैंने पिछले साल एडवांस लिया। किस साल के लिए? इस साल के लिए। तो उसके बदले में मैंने सर्विसेज नहीं दी, किस साल? पिछले साल। तो वो पिछले साल की मेरी क्या बना? लाइबिलिटी बन गया। इसी तरीके से इस साल, मतलब ये जो हमारा करंट ईयर है 2015, ये जब एंड हो रहा है उस समय पे भी मैंने कुछ एडवांस लिया हुआ है, वो अगले साल का है, वो इस साल का नहीं है। पैसा मैंने ले लिया, सर्विसेज मैंने नहीं दी, तो मेरी क्या बन गई? वो इस साल करंट ईयर की लाइबिलिटी बन गई। तो मैं क्या शो कर दूंगा लाइबिलिटी साइड पे? एडवांस सब्सक्रिप्शन, और अमाउंट कितना हम दिखा देंगे इसको? 2500। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब आगे चलते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद एंट्रेंस फीस बताया गया है। एंट्रेंस फीस हमारा रेवेन्यू नेचर का है, तो हम यहां पे शो कर देंगे बाय एंट्रेंस फीस। अमाउंट कितना दिया हुआ एंट्रेंस फीस का? 12000। मेन कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, एक छोटा सा टिक मार्क यहां दिया है, 2 लाइफ मेंबरशिप फीस। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बताया है। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में कोई भी चीज नहीं देते हैं तो लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट करंट ईयर की कहां चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे। हम यहां लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, अमाउंट कितना बताया है इसका? 15
थाउजेंड, और एक छोटा सा टिक क्वेश्चन मार्क में लगा लीजिए, क्वेश्चन में लगा लीजिए। फिर क्या है, टू सेल न्यूज़पेपर्स, मतलब हमने न्यूज़पेपर बेचे, हम लगातार न्यूज़पेपर बेचते रहते हैं भाई, एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर हमारे यहाँ रोज आता होगा और हर कुछ समय के बाद हम उसको बेच देते होंगे, तो ये हमारा रेगुलर वर्क है, तो ये हमारा इनकम साइड पे चला जाएगा। हम क्या लिख देंगे, बाय न्यूज़पेपर विद इन ब्रैकेट सेल, और अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका 200, एक छोटा सा टिक। टू कैंटीन कलेक्शन, मतलब हमने, हमारे पास एक कैंटीन है उससे हमारे पास कलेक्शन आ रहा है, तो हम इसको भी इनकम साइड पे शो कर देंगे, हम लिख देंगे आप बाय कैंटीन कलेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। और अमाउंट कितना दिया हुआ है 4400, यहां पे कैंटीन कलेक्शन हमारा अमाउंट है। आगे कहता है टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, मतलब हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, कुछ डिपॉजिट करके रखा हुआ है, उस पर हमको क्या मिल रहा है, उस पर हमको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है ये हमारा इनकम है, तो हम इधर शो कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अमाउंट कितना दिया हुआ है 16,000, और इसके आगे भी हम एक छोटा सा टिक कर लेंगे। ये टिक लगाना इसलिए फ्रेंड्स हेल्पफुल होता है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कि आपको फिर से इस चीज को आगे इधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, तो रिसिप्ट साइड हमारा सारा पोस्ट हो चुका है, अब हमारा आता है पेमेंट साइड। देखिए पेमेंट का मतलब खर्चा किया हमने, जाहिर सी बात है, अब हमको बस इसमें यही कैटेगराइज करना है कि रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है। अगर रेवेन्यू नेचर का है तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा, और अगर ये कैपिटल नेचर का है तो फिर वो बैलेंस शीट में जाएगा। सबसे पहली चीज दी है स्टाफ सैलरी, अब सैलरी तो आप लगातार देते हैं, तो यहां पे सैलरी हमारा रेवेन्यू नेचर का है, तो सैलरी को हम कहां शो कर देंगे, एक्सपेंडिचर साइड पे शो कर देंगे। क्या लिख देंगे हम यहां पे, टू स्टाफ सैलरी। अब देखिए यहां एक छोटा टिक मैं पहले से रेड कलर से लगाया हुआ हूं, ठीक है, इसका मतलब इससे जुड़ा कुछ एडजस्टमेंट है, तो मैं इस अमाउंट को क्या करूंगा, सबसे पहले इनर कॉलम में लिख दूंगा, क्योंकि इससे जुड़ा एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, आइए पढ़ते हैं। सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, पिछले साल के एंड में 1200 रुपए आउटस्टैंडिंग रह गया था और इस साल के एंड में 1800 रुपए आउटस्टैंडिंग रह गया था, ठीक है। अब देखिए अगर आपने सैलरी नहीं दी पिछले साल, तो वो खर्चा ये पिछले साल का है, इस साल का नहीं है, ठीक है। तो अगर ये खर्चा पिछले साल का है 1200 रुपए, तो हमको इस साल के खर्चे में से उसको क्या कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यहां हम लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर, ठीक है, इधर के एंड या नेक्स्ट डे, एक ही चीज मानी जाएगी। कितना अमाउंट है 1200, ठीक है। और अगर साल के एंड में हमने कुछ खर्चा देना बचा रह गया और इसी साल का है, तो हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, उसे ऐड कर देना चाहिए। हम क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, स्पेस की कमी है, लेकिन आप लोग फ्रेंड्स जब लिखिएगा तो पूरा इलैबोरेट करके लिखिएगा। अमाउंट कितना लिखेंगे हम 1800, इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो मेन कॉलम में जाएगा हमारा 36,000। अब देखिए फ्रेंड्स फिर वही बात आती है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो कितनी जगह जाएगा दो जगह जाएगा, पहला तो यहां चला गया, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर, एक तो यहां गया। अब दूसरा कहां जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पिछले साल का ये खर्चा है और इसका पेमेंट हमें पिछले साल में करना था, तो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये खर्चा क्यों चला जाएगा लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि भैया इसका पेमेंट हमको कर देना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, तो कहां गया, लायबिलिटी साइड पे। तो हम क्या दिखा देंगे, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा 1200,
ठीक। अब देखिए इस साल भी हमारा सैलरी 1800 रुपये पेमेंट करना बचा था, तो वो इस साल का हमारा लाइबिलिटी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? अरे भैया हमने उसका पेमेंट नहीं किया, ठीक है, और ये एनी एक्सपेंसेस विच इज ड्यू एंड विच शुड हैव बीन पेड इन द करेंट ईयर बिकम्स आर लाइबिलिटी, सो इट विल बी रिटन वेयर ऑन द लाइबिलिटी साइड, सो वील राइट डाउन सैलरी आउटस्टैंडिंग। अमाउंट कितना लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग? 1800, ठीक है। तो देखिए ये चीज ऑटोमेटिकली प्रूव होती जा रही है कि यहां पे जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में है वो दो जगह पोस्ट होगी। तो सैलरी का ट्रीटमेंट हो गया, हमने अब एक टिक लगा दिया। नेक्स्ट हमारा कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन चलाने के लिए हम खर्चा करेंगे, नॉर्मल हमारा खर्चा होता रहेगा, तो ये रेवेन्यू नेचर का है, तो हम इधर दिखा देंगे टू कैंटीन एक्सपेंस। अमाउंट कितना है? 3500। और एक छोटा सा टिक, मिसलेनियस एक्सपेंस, तो भाई हमारे छोटे मोटे खर्चे हैं, ये भी रेवेन्यू नेचर के हैं, तो हमारा इधर चला जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस 800। एक और टिक लगा दिया, इंश्योरेंस कराएंगे ही कराएंगे हम, तो ये भी रेवेन्यू नेचर का है, तो इधर चला जाएगा टू इंश्योरेंस। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2000, ठीक है फ्रेंड्स। एक छोटा सा टिक, टेलीफोन एक्सपेंसेस, हर महीने बिल पे होता है, ईयरली बिल पे होता है, तो हम क्या लिख देंगे? टू टेलीफोन एक्सपेंस। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 4800। अब देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज, ये रेवेन्यू नेचर नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट जब हमने परचेज करा तो मतलब ये हो गया हमारा कैपिटल नेचर का, और ये हमारा इस साल की मतलब करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्या शो करेंगे यहां पे? हम लिखेंगे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट कितना दिखा देंगे? 46,000, ठीक है। उससे पहले हमने एक आइटम को यहां मैंने जानबूझ के छोड़ा क्योंकि अब इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन की चीज थी, तो यहां कहता है बाय फर्नीचर परचेज 15,000, ठीक है। अब देखिए एक ऑलरेडी रेड टिक मैंने लगा रखा है, नीचे आते हैं, यहां पे हमको फर्नीचर 10,000 दिया हुआ है, मतलब जब साल पिछला साल एंड हुआ तो उस साल फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 10,000 रुपये। और अभी 20 साल भर में मैंने कितना फर्नीचर खरीदा? 15,000 का। तो आइए पहले इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये हमारा पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्या लिख देंगे हम? फर्नीचर कितना अमाउंट लिखेंगे? भाई 10,000 है तो 10,000 लिख देंगे, मतलब ये पिछले साल का। अब देखिए इस साल हमने फर्नीचर और खरीद लिया, कितने का फर्नीचर खरीदा? 15,000 का। तो टेक्निकली ये जो ईयर हमारा एंड हुआ 2015, एंड होने पे भाई पिछले साल का 10,000 फर्नीचर और इस साल का 15,000 फर्नीचर, लेकिन डेप्रिसिएशन भी है फ्रेंड्स हमारे पास, तो फर्नीचर को 20% डेप्रिसिएट भी करना है, ये चीज मत भूलिएगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम आप करिए, यहां लिखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर की टोटल वैल्यू लिखिए, फर्नीचर ये 10,000 और नया 15,000, कितना हो गया? 25,000, ठीक। अब कहता है कि इस पे 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, तो इसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कट जाएगी, लेस डेप्रिसिएशन अमाउंट 5,000, मेन कॉलम 20,000, ठीक है। और ये जो 5,000 हमारा डेप्रिसिएशन है ये हमारा रेगुलर रेवेन्यू नेचर का है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड भी चला जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट 5,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा यहां पे फर्नीचर का भी ट्रीटमेंट हो गया और ये यहां पे भी हमारा ट्रीटमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने कर ही लिया है। अब बोलता है हमें कि बाय बैलेंस सीडी 31/3/2015, मतलब ये जो करंट ईयर जब हमारा खत्म हुआ तब हमारे पास कैश में, डिपॉजिट अकाउंट में, करंट अकाउंट में ये बैलेंस था, तो ये तो हमारा असेट हो गया, तो कहां शो कर देंगे हम इसे? असेट साइड पे शो कर देंगे।
हम क्या लिखेंगे यहां पे, कैश इन हैंड अमाउंट 6,700, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट अमाउंट 20,000, फिर कैश इन करंट अकाउंट अमाउंट 4,200। ठीक है, तो ये तीनों हमने पोस्ट कर दिए, तो मतलब इसके अंदर जितने आइटम्स थे वो सब पोस्ट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं यहां पे एडजस्टमेंट में भी, तो भाई कुछ चीजें बची हुई हैं अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो सबसे पहले हमको बताया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 रुपए। अब देखिए ये पिछले साल के एंड में था, हमने साल भर कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं खरीदा, तो पिछले साल के एंड में था तो पिछले साल की एंड की बैलेंस शीट के असेट साइड चला जाएगा। क्या लिख देंगे हम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अमाउंट 20,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पे भी मैंने एक टिक मार करके रखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे बताया है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपको 30% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो सबसे पहला काम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20% अगर 20,000 पे 30% हमने चार्ज किया तो 6,000 रुपये आ गया। तो हम कहाँ दिखा देंगे, रेवेन्यू नेचर का है तो किधर चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। क्या लिख देंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स अमाउंट कितना लिख देंगे, 6,000। अब देखिए फ्रेंड्स, भाई पिछले साल के एंड में अगर हमारे पास इक्विपमेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 था और साल भर में मैंने ना तो खरीदा ना ही बेचा, तो भाई हमारे इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी तो आएगा। भाई हमने साल भर इस्तेमाल किया तो उस पर 6,000 डेप्रिसिएशन लग गया, लेकिन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो है ना हमारे पास, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इनर कॉलम में लिखेंगे सबसे पहले 20,000 जो वैल्यू इसकी पिछले साल थी, और इस साल इस्तेमाल किया वो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन अमाउंट 6,000। और मेन कॉलम में हम इसको कितना शो कर देंगे फ्रेंड्स, मेन कॉलम में ये हमारा चला जाएगा 14,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी ट्रीटमेंट हो गया। अब हम पेज को इधर पलट लेते हैं, भाई 20% हम फर्नीचर पे भी दे चुके हैं, 30% हम यहां भी दे चुके हैं, अब क्या काम बचता है इसके बाद आइए देखते हैं। जब इस तरीके से सारी पोस्टिंग हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसके बाद मेरा ये सजेशन है कि एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से बहुत ध्यान से देख लीजिए कि हर चीज के आगे आपने टिक लगाया है कि नहीं। इससे ये पता लग जाएगा कि कहीं कोई आइटम छूट तो नहीं रहा है, क्या हमने सारे आइटम्स का पोस्टिंग हर जगह ठीक तरीके से कर दी है। जब ये हो जाता है तो सबसे पहला काम हमारा होता है कैपिटल फंड कैलकुलेट करना। कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट होगा, जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें हम असेट साइड और लाइबिलिटी साइड का डिफरेंस निकालेंगे। असेट साइड का अगर हम टोटल करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा आ जाएगा 62,200। और इधर जब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल फंड जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है अमाउंट कितना लिखेंगे हम, 59,000। मतलब इधर के टोटल में से हमने ये दोनों अमाउंट माइनस करे तो हमारा कितना आ गया, 59,000, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। और हम यहां टोटल लिख देंगे 62,200। अब ये कैपिटल फंड हमारा इस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्या लिख देंगे हम, कैपिटल फंड अमाउंट कितना लिखेंगे हम इसमें, भाई जितना अमाउंट है वही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, 59,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। अब हमें यह देखना है कि हमारी इनकम ज्यादा है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है। जब हम इनकम साइड का टोटल करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा टोटल आएगा 96,300। और जब हम इधर का टोटल करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा टोटल आएगा 58,100। दैट मींस हमारी इनकम ज्यादा है
एक्सपेंस कम है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सरप्लस। क्या लिखेंगे हम, टू सरप्लस, ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, अमाउंट 38,200, टोटल करेंगे इसको हम 96,300, डबल लाइन क्लोज्ड। ये सरप्लस है, ये हमारा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, हम लिखेंगे ऐड सरप्लस, अमाउंट 38,200, ये दोनों को ऐड करेंगे और मेन कॉलम में हम लिखेंगे 97,200। जब हम असेट साइड और लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा टोटल आएगा 116,500, डबल लाइन क्लोज्ड, 116,500, डबल लाइन क्लोज्ड। तो फ्रेंड्स, ये तो था डीके गोयल का बैक क्वेश्चन नंबर 14, जो कि पेज नंबर 21.65 पे है। मेरी पुरानी एडिशन है तो उसमें पेज नंबर 21.65 है, अगर आपके पास नया एडिशन है तो हो सकता है उसमें पेज आगे पीछे भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तरीका है सॉल्व करने का। मैं तो यहाँ आपको एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूँ, सॉल्व करता जा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सॉल्व बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तीनों चीज़ें एक साथ ऐसे बना लीजिए और जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से पोस्ट करते चले जाइए। हाँ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को और बेहतर किस तरीके से बनाऊं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिए, मेरी पूरी कोशिश होगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। तो दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया डिस्कस करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। बाय बाय।